नमस्ते, मैं अन्ना पांडे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तीज पूजा है, जिसे हरतालिका भी कहते हैं। तो तीज शिव और पार्वती की पूजा है। शिव से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए पार्वती ने बहुत बड़ी तपस्या की थी और तरह तरह के यज्ञ और उपवास किए थे। उसमें से एक तीज भी है। तो जब उनसे उनका विवाह होना था तो उन्होंने किसी को भी पसंद नहीं किया था। बहुत सारे ऑफर थे उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो शिव से ही शादी करना चाहती थी और उनके माता पिता ने लग समझाया कि शिव जो है वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम महलों में रहती हो, वो पहाड़ों पे रहते हैं और तुम्हें जितनी सुख सुविधाएँ हैं वो उन्हें नहीं प्राप्त हैं। वो ना उनका घर है, ना उनके पास जमीन है, ना ही कोई संपत्ति है, ना उनके शरीर पे ढंग के कपड़े हैं, और सांप और बैल यही सब उनके आधार है। वो डमरू बजाते चलते हैं। तुम मत करो, विष्णु से कर लो और ब्रह्मा से कर लो। लेकिन पार्वती नहीं मानी थी। तो माता पिता के लाख मनाने के बावजूद वो नहीं मानी और वो जंगल चली गई। जंगल चली गई और वहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। बहुत सारी तपस्याएं की, सहती थी, फलाहार करती थी, फल के साथ भोजन अनाज छोड़ दिया था और सारी सुख सुविधाएं त्याग दी थी। जो मुलायम गद्दे पे सोती थी वो पत्थरों पे सोने लगी। जिनका कहावत है कुमार संभवम में कि जिनके बिस्तर की चादर के नीचे अगर एक बाल आ जाता था तो उस बाल से उनके बदन में दाग लग जाता था। तो वो ऐसी सुकुमार महिला और सुकुमार कन्या जंगल में रहने लगी और कष्ट करने लगी। और तब भी शिव नहीं माने। और उसके बाद उन्होंने बहुत दिन के बाद सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना, और सिर्फ बेलपत्र खाती थी। बेलपत्र भी जब छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ा था। और उसके बाद फिर पंचाग्नि तप भी किया था उन्होंने। चारों तरफ अग्नि और जेठ के महीने में ऊपर से सूर्य का तेज ताप और चारों तरफ अग्नि, और बीच में बैठ के तपस्या करती थी। उसके बाद धीरे धीरे भगवान शिव जो थे वो उनकी तपस्या से मोहित होने लगे थे। तो एक बार वो आए और विष्णु के अवतार में ही आए, दूसरे भगवान के अवतार में आए, शिव के रूप में आए। और उन्होंने कहा कि तुम किस के पीछे पड़ी हो, वो तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा, सो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो वो बिगड़ गई थी और उसके बाद शिव ने अपना सही रूप प्रकट किया था। तो इसी के पहले सखियों ने उन्हें बताया कि कहीं कोई पूजा हो रही है तो आप हरतालिका व्रत भी करें। तो अब हरतालिका व्रत के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। तो वो नदी के किनारे बालू और मिट्टी से शिव का निर्माण किया था, शिवलिंग का निर्माण किया था, और उस शिवलिंग को पूजने लगी। और उन्होंने अखंड व्रत किया था 24 घंटे का। इससे शिव एकदम नतमस्तक हो गए और उन्होंने विवाह के लिए अपनी सहमति जताई। तो ये तो कहानियां हैं, कितना सच है कितना नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन परंपरा से तीज हम लोगों के समाज में चला आ रहा है और माताएं बहनें सभी करती हैं। ससुराल में भी सास ननद और जेठानी देवरानी सभी करती हैं, तो हमें भी करना है और करती आई हैं हम भी, तो उसी की आज तैयारी है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या व्यवस्था की है। व्यवस्था तो बहुत करते हैं लोग, मैंने बहुत छोटी सी व्यवस्था की है। उसका बहुत कारण है। एक कारण तो ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। दूसरी ये है कि इस साल एक परिवार में एक दुखद घटना घटी थी। बड़ा परिवार है हमारा, तो जैसे अपने ही
घुटिया में कुछ एक दुखद घटना हो गई थी, उसके कारण इस साल हमें पूजा में मतलब सीधे तौर पे नहीं सम्मिलित होना था। तो फिर भी फास्टिंग जरूरी है, फास्टिंग तो है ही, उपवास तो रहेगा, तो उसके लिए मैंने कोई खास व्यवस्था नहीं की, ऐसे ही सहना था। लेकिन चूंकि शेयर करना था तो इसलिए थोड़ी बहुत विधि मैं बताऊंगी इसके लिए। तो चलिए देखिए क्या तैयारी की है मैंने। ये मैंने थाल सजाई है, थाल में कुछ फल है, चना है, बत्ती है, तो दिया और घी भी है, अगरबत्ती है, ये कपूर है, माचिस है, सिंदूर है, और ये फल हुआ। तो इन सब चीज़ों के अलावे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जल है, अक्षत है, फूल है, वो अलग से मैंने रखा है, और ये सिर्फ मैं सम्मिलित कर दूंगी वहाँ जहाँ पे पूजा होगी। और मैंने पहनने के लिए कपड़े निकाले हैं, तो नया नहीं पहनना था तो मैंने नया नहीं निकाला। ये धुली हुई साड़ी है, इसमें दोनों तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, या तो बिल्कुल नया ही हर साल खरीदिए, या फिर धुली हुई कोई साड़ी हो तो उसे भी आप पहन सकते हैं। ये साड़ी है और ये इसका आंचल है, बहुत सुंदर साड़ी है, और सिल्क है तो आरामदेह भी बहुत ज़्यादा है। इसके मैचिंग का ब्लाउज और पेटीकोट है, और सुबह को फिर मैं इससे ही मिलता जुलता एक कपड़ा निकाला, एक साड़ी निकाली जिसे मैं पहनूंगी। तो इसे सुबह को भी फिर पूजा करनी होगी। और ये हमारा चूड़ी वगैरह है, चूड़ी पहनूंगी, कुछ हाथ में गले में पहनना होगा तो ये मैं पहन लूंगी। तो चलिए अभी तैयारी करके दिखाती हूँ। मैं तैयार हो गई, हल्का फुल्का मेकअप किया है, सिंदूर लगाना होता है नाक से तो इसे भी मैंने लगाया है, और साड़ी पहनी है। पूजा के बाद फिर कपड़े चेंज कर लूंगी, लेकिन अभी पहनना है तो मैंने पहन लिया है साड़ी को। थोड़ा सा आंचल बड़ा रखा है ताकि इसे इस तरह से ओढ़ पाऊँ, सीधा आंचल किया है मैंने, ये हमारे घर की परंपरा है तो इसका तो निर्वहन करना ही पड़ेगा। और बहुत कम मेकअप किया है, थोड़ा सा सिर्फ क्रीम लगाया है, एक लिपस्टिक लगाई है, और नाक से सिंदूर किया है, थोड़ी सी मेहंदी लगाई है, और नई चूड़ी पहनी है, और बस इतना ही। और चलिए फिर पूजा में चलते हैं।